यस बच्चों, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6, क्योंकि मैंने 4 दो बार टाइप कर दिया लेक्चर में। दिस इज़ द 6th लेक्चर। टॉपिक इज़ द वी आर डिस्कसिंग किंगडम फंजाई, जिसमें हम लोगों ने एस्कोमाइसिटीज क्लास को और उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था। ज़रा थोड़ा बहुत उससे ज़रा टेली करिएगा, उस लेक्चर को देखिएगा, जो चीज़ें इसमें मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज दोनों के अंदर डाइकैरियन फेज आती है, आपको ध्यान होगा, 2 न्यूक्लियाई पर सेल स्टेज। क्लियर हुआ? आज बात करते हैं थर्ड क्लास बैसिडियोमाइसिटीज, जिसको कहते हैं क्लब फंजाई। क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। बच्चों ध्यान से सुनना, इस टॉपिक में जो बैसिडियोमाइसिटीज है, नीट के पेपर में ज़रूर कोई ना कोई एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के, इसलिए मैंने पहला लेक्चर ज़रा इस इम्पॉर्टेंट फेस के ऊपर बनाया, जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं बैसिडियोमाइसिटीज, जो तीसरी क्लास है, जिसको हम क्लब फंजाई बोल देते हैं। बात करते हैं इसके हैबिटेट की। पहले किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हैबिटेट की। बेटा ये सॉयल, लॉक्स, ट्री स्टम्स और लिविंग प्लांट बॉडीज पर एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ? ग्रो इन सॉयल, ऑन लॉक्स, ऑन ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। तो ये इसका हैबिटेट होता है। जो मेंबर्स हैं बैसिडियोमाइसिटीज के, उनका हैबिटेट आपको पता लगा कि ये कहाँ पे प्रेफर करते हैं ग्रो करना। क्लियर बात हुई? अब बात करेंगे, जैसे एस्कोमाइसिटीज में बात की थी, मैंने कहा था कंपैरिजन में ही पढ़िएगा। अब बात करेंगे माइसिलियम की। बच्चों जो माइसिलियम है, हम लोग जानते हैं कि फंगस की बॉडी किसकी बनी होती है? माइसिलियम की। और माइसिलियम में क्या इंटरवूवेन होते हैं? हाइफी यानी फिलामेंटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बच्चों जो इसका माइसिलियम है, ठीक एस्कोमाइसिटीज की तरह है। मींस कैसा होगा? आपको मैंने बताया था, ब्रांच सेप्टेट। कैसा माइसिलियम होगा? ब्रांच सेप्टेट। जो बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होंगे, उनकी जो बॉडी होगी, उसका माइसिलियम ब्रांच भी होगा और क्रॉस बॉल भी होंगी, सेप्टेट होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बैसिडियोमाइसिटीज हैं, उनमें जो क्रॉस वॉल है, जो सेप्टा है हाइफी में, मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया है, जिस समय मैंने इसको मैं आपको फंजाई का इंट्रोडक्टरी लेसन दिया था, उसमें आप देखेंगे जो मैंने सेप्टा ड्रॉ किए हैं, इस बैसिडियोमाइसिटीज के जो सेप्टा हैं बच्चों, वो स्पेशल टाइप के हैं। कैसे स्पेशल टाइप के हैं? ये कहलाते हैं डोलीपोर सेप्टा, DOLI, ज़रा इसको नोट करते चलिएगा नोटबुक में, DOLIPORE, यानी डोलीपोर सेप्टा है। क्लियर बात हुई बच्चों? ये कैसे पोर्स हैं? क्यों इनको डोलीपोर्स कहा गया? इनको पोर नाम क्यों दिया गया सेप्टा का? क्योंकि बच्चों इनमें क्या होता है, एक बड़ा सा पोर प्रेजेंट होता है हर सेप्टम में। हर सेप्टम में एक बड़ा सा पोर प्रेजेंट होता है, और जो बाउंड्री होती है पोर की, वो दोनों साइड, यानी मतलब इस दोनों जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, उनकी दोनों साइड बाउंड्री वो ग्रो करती हैं, और इस बाउंड्री को कहते हैं पैरेंथीसोम। क्या कहते हैं? पैरेंथीसोम। मैं यहाँ पे ज़रा लिख रहा हूँ, ज़रा दिख रहा होगा आपको, पैरेंथीसोम। क्या कहते हैं? पैरेंथीसोम। और मैंने उसके और उनके सेप्टा को पोर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था? डोलीपोर। तो इनकी जो बाउंड्री है पोर की, वो दोनों तरफ स्प्रेड होती है, हर सेल में स्प्रेड होती है, दोनों सेल की तरफ स्प्रेड होती है। तो ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ बाउंड्री ऑन बोथ साइड, द शेप ऑफ द सेप्टम बिकम डोम शेप्ड। कैसा हो जाता है? डोम शेप्ड हो जाता है। इसलिए ये बैसिडोमाइसिटीज में जो माइसिलियम होता है, उसके सेप्टा के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, द सेप्टा इज डोलीपोर सेप्टा। इस स्पेशल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर के कारण इसको डोलीपोर, मैंने वर्ड यूज किया डोलीपोर, क्या वर्ड यूज किया? डोलीपोर सेप्टम।
स्पेशल तरह का सेप्टम देखने को मिलता है इनके माइसीलियम में, और माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट ब्रांच है। क्लियर बात हुई। बात करता हूँ बच्चों इस बैसिडियोमाइसिटीज में, देखिए होता क्या है, जब दो सेल्स होती है, सपोज दैट दो सेल्स हैं, एक सेल ये है, आपको दिख रहा होगा ये सेल मैंने बनाई, इस सेल का एक कनेक्शन दिया मैंने, क्लियर बात हुई। आगे चलिए, फिर मैंने सेल बनाई और इस सेल का भी एक कनेक्शन दिया मैंने, ऐसे देखिए ज़रा, आपने देखा ऐसे ऐसे ये मैंने कनेक्शन दिया, क्लियर हुआ। ठीक इसी तरीके से ऐसे आए, इधर भी कोई ना कोई कनेक्शन होगा, क्लियर बात हुई, ऐसे करके क्लियर। अब ये जो कनेक्शन है, जो ये कनेक्शंस खुल रहा है, ये कनेक्शंस इन सेल्स के बीच में, सपोज दैट ये सेल्स हैं, एक सेल ये और एक सेल मैंने बना दी तुम्हारे लिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक सेल बना दी, क्लियर बात ही। तो ये जो कनेक्शंस हैं, इस कनेक्शंस के थ्रू साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, और इस कनेक्शंस को कहते हैं क्लंप कनेक्शन। क्या कहते हैं? क्लंप कनेक्शन। तो क्लंप कनेक्शन क्या होता है, किस क्लास में पाया जाता? आंसर इज बैसिडियोमाइसिटीज। क्लंप कनेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो नाइबरिंग सेल्स हैं, जो पास पास की सेल्स हैं, उनके बीच में उनका न्यूक्लियस एक सेल का दूसरे सेल में माइग्रेट हो सके, इसके लिए इनके आपस का जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? क्लंप कनेक्शन। क्या कहलाता है? क्लंप कनेक्शन। क्लियर बात हुई बच्चों? ध्यान रखिएगा, क्लंप कनेक्शन किस में यूज़ होता है? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम में बदलने के लिए, क्योंकि एक सेल का न्यूक्लियस माइग्रेट कहाँ से होगा? इसी क्लंप कनेक्शन से। इसको क्या कहते हैं? क्लंप कनेक्शन। क्या कहते हैं? क्लंप कनेक्शन। आपने देखा डायग्राम में, क्लंप कनेक्शन का मतलब हो गया कि एक सेल का न्यूक्लियस दूसरी नाइबर सेल्स के न्यूक्लियस के पास माइग्रेट होकर आएगा इन्हीं कनेक्शन से। क्लियर हुआ। तो वो जो जिस सेल को छोड़कर जिस सेल में आएगा, वो बच्चों माइसीलियम की सेल कैसी हो जाएगी? डाइकैरियोटिक। कैसी हो जाएगी? डाइकैरियोटिक। क्लियर हुआ। तो इस क्लंप कनेक्शन का क्या यूज है? क्लंप कनेक्शन इज यूज टू चेंज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन बैसिडियोमाइसिटीज। इंपॉर्टेंट मेडिकल क्वेश्चन। क्लंप कनेक्शन नाइबरिंग सेल्स के बीच में है, ठीक है, एक सेल का न्यूक्लियस दूसरे सेल के न्यूक्लियस में माइग्रेट होता है, समझ में आ गया। यानी मतलब मोनोकैरियोटिक, जब एक था न्यूक्लियस तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम चेंज हो गया डाइकैरियोटिक माइसीलियम में, समझ में आ गया। यही काम है क्लंप कनेक्शन का, जो देखने को मिलता है बच्चों किसमें? बैसिडियोमाइसिटीज क्लास में। ये इंपॉर्टेंट मेडिकल का पॉइंट था बात करने का। चलिए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम लोगों ने देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसिटीज के केस में, जब मैंने पढ़ाया था, मैंने वर्ड यूज़ किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन ऑफ एक्सोजेनस कोनिडिया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन मैटर, जो बहुत कॉमन है। भाई थ्रेड लाइक बॉडी है फंगस की, कोई भी माइसीलियम का पार्ट टूट गया, उसने इटसेल्फ एक नया फंगस बना दिया, और पार्ट को ही कहते हैं फ्रेगमेंट, मेथड कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हुआ। तो आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी पाई कि बैसिडियोमाइसिटीज में मेडिकल का क्वेश्चन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया थे, फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर्स मैंने पढ़ाया था राइजोपस में, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है मेडिकल के लिए कि मेंबर्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन ऑफ कॉमन मेथड, एंड कॉमन मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन। बच्चों बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन इसको मैं अलग से लेक्चर में लाऊंगा, क्योंकि डायग्राम से आपको बनाना सिखाऊंगा। लेकिन एक डिफरेंस अभी सुनिए, बैसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स, तो बैसिडियोमाइसिटीज में बैसिडियोस्पोर्स। उसमें कितने एक एस्कस के अंदर स्पोर्स थे? 8। इसमें कितने होंगे? 4।
और सबसे बड़ी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करूँगा तो वो ये कि एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर्स हैं बच्चों वो एंडोजीनसली हैं, लेकिन जब हम बैसिडोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम ध्यान रखेंगे। आपसे मैं पूछूंगा, आपका आंसर होना चाहिए कि बैसिडियो स्पोर्स आर एक्जोजिनसली, एक्जो वर्ड लगा, ई एक्स ओ, किसी के अंदर नहीं है, बाहर फ्रीली डेवलप हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए बात करते हैं इस लेक्चर की, जहाँ से एक मेडिकल का क्वेश्चन आने का 100% चांस रहता है। बच्चों, इसके जो मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक हैं। मैं सबसे पहले पैरासिटिक में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि रस्ट फंजाई कौन सी है, आपका आंसर होना चाहिए पक्सीनिया। क्या आंसर होना चाहिए? पक्सीनिया। पहली बात सुनिए, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए स्मट फंजाई कौन सी है, आपका आंसर होना चाहिए ऑस्टिलैगो। पहला पॉइंट, ऑस्टिलैगो, USTILAGO, पक्सीनिया रस्ट फंगस, ऑस्टिलैगो स्मट फंगस। पहला इम्पॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन। दूसरी चीज़, ये पैरासिटिक फंजाई है, पक्सीनिया में भी रस्ट कितने तरीके का, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, एलो रस्ट, तीन तरीके के रस्ट होते हैं। तो फिर पक्सीनिया की कौन कौन सी स्पीसीज हैं? पक्सीनिया ग्रैमिनिस ब्लैक रस्ट के लिए, ये स्टेम पे कॉज करता है रस्ट डिजीज़, तो स्टेम रस्ट भी आप बोल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पक्सीनिया की दूसरी स्पीसीज रिकंडीटा, जो रिकंडीटा है बच्चों वो लीफ में रस्ट डिजीज़ कॉज करती है और इस रस्ट को कहते हैं ब्राउन रस्ट। तो आपको ये भी पता लगा कि आपके एनसीईआरटी में पक्सीनिया ग्रैमिनिस दिया गया है जो ब्लैक रस्ट कॉज करती है, जो कि स्टेम रस्ट है आपके एनसीईआरटी में ये, ठीक है। चलिए रिकंडीटा का पता लगा, ब्राउन रस्ट कॉज करता है। इसी तरह स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ये पक्सीनिया की तीसरी स्पीसीज है, स्ट्री टी आर डबल आई है, STR II स्ट्रीफॉर्मिस, बोलना सीखिए पहले, स्ट्रीफॉर्मिस रिकंडीटा ग्रैमिनिस, ये तीन स्पीसीज है ग्रैमिनिस एनसीईआरटी में, ब्लैक रस्ट, रिकंडीटा पक्सीनिया की स्पीसीज ब्राउन रस्ट, एंड स्ट्रीफॉर्मिस पक्सीनिया की स्पीसीज एलो रस्ट कॉज करती है, और पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्टेम रस्ट, रिकंडीटा लीफ रस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी। चलिए पक्सीनिया के बारे में एक और चीज़ जानते हैं बच्चों। जो पक्सीनिया है वो हेट्रोसियस है। हेट्रोसियस वर्ल्ड का मतलब क्या समझें? हेट्रोसियस वर्ल्ड का मतलब हो गया बच्चों कि ऐसा ये पैरासाइट है जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग होस्ट को यूज़ करता है। जैसे प्राइमरी होस्ट वीट, जो आपका गेहूँ है वो उसका प्राइमरी होस्ट होता है, और जो सेकेंडरी जिसको आप लैटरल भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट भी किताबों में वर्ड दिया रहता है, वैसे आप सेकेंडरी समझेंगे तो मुझे ज़्यादा लगेगा आप समझे। जो सेकेंडरी होस्ट है वो बारवेरी है। तो वीट और बारवेरी किसके होस्ट होते हैं? पक्सीनिया ग्रैमिनिस के। एनसीईआरटी में एग्जांपल पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक रस्ट फंगस है, ये ब्लैक रस्ट कॉज करता है, ब्लैक रस्ट स्टेम रस्ट होती है, और ये हेट्रोसियस होता है। इतने पॉइंट केवल तैयार करिए, ये हेट्रोसियस होता है, मीन्स अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है, नंबर वन बीट एंड नंबर सेकंड इज बारवेरी, जो कि सेकेंडरी होस्ट होता है। तो कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, ये भी एक अच्छा मेडिकल का क्वेश्चन है। इस तरह से इस लेक्चर को आप पढ़िए। चलिए बात करता हूँ ऑस्टिलैगो न्यूडा ट्राइटिकी की। ऑस्टिलैगो न्यूडा NUDA न्यूडा, ऑस्टिलैगो न्यूडा, और स्पीसीज क्या है? ट्राइटिसी, ठीक है। क्या कॉज करती है बच्चा? ट्राइटिकम माने होता है, वीट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर बात हुई। अब यहीं पर ट्राइटिसी से पता लग गया कि वीट में स्मट डिजीज़ कॉज करता है, लूज स्मट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाई ऑस्टिलैगो न्यूडा ट्राइटिसी। ऑस्टिलैगो न्यूडा ट्राइटिसी बोलने की कोशिश करिए, जिससे क्या कॉज होता है? स्मट डिजीज़। इसीलिए स्मट फंजाई किसे कहते हैं? ऑस्टिलैगो को।
रस्ट फंजाई किसको कहते हैं, पक्सीनिया को। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, बच्चों के दिमाग में रहना चाहिए मेडिकल के लिए। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं गिल फंजाई की। बच्चों जो एगारिकस होता है इसको गिल फंजाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गिल्स? क्योंकि इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ में जो पोर होते हैं वो पोर्स कैसे देखने में मिलते हैं, कैसे रिजेंबल होते हैं, लाइक गिल्स। ठीक है, तो ये गिल्स की तरह फैले होते हैं, इसलिए इनको फेरी FAIRY फेरी रिंग्स भी बोल देते हैं, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी लुक लाइक रिंग्स होती है। तो एगारिकस को गिल फंजाई कहते हैं। गिल फंजाई में कौन सा जीनस आ रहा है? एगारिकस। दिस इज द मेडिकल क्वेश्चन। नाम पक्सीनिया भी लिखा होगा, ऑस्टिलेगो भी लिखा होगा, एगारिकस भी लिखा होगा, कोई और भी नाम हो सकता है, लेकिन आपको आज का लेक्चर इसी तरह मेडिकल के लिए तैयार करना है कि गिल फंजाई एगारिकस, रस्ट फंजाई पक्सीनिया, स्मट फंजाई ऑस्टिलेगो, अपने आप में एक मेडिकल है। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जांपल, इनको पफ वॉल भी बोल देते हैं। क्लियर बात हुई। क्या बोल देते हैं? पफ वॉल। बच्चों जो पफ वॉल वाले मेंबर्स होते हैं बेसिडियो माइसिटीज, जो आप तीसरी क्लास देख रहे हैं फंजाई की, उसके अंदर एग्जांपल आता है क्लेबेटिया, जिससे एक ड्रग्स तैयार होती है क्लेबेटिन। ड्रग्स का नाम क्लेबेटिन है और क्लेबेटिया है जीनस जिससे ड्रग्स क्लेबेटिन तैयार हो रही। और ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये एंटी कैंसर मेडिसिन है। क्या है? एंटी कैंसर मेडिसिन। एक तरह देखा जाए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्लियर हुआ। फंजाई की मेडिसिन मेडिकल फील्ड में कि ये एंटी कैंसर मेडिसिन तैयार करता, नाम क्या है? क्लेबेटिन। क्या नाम है? क्लेबेटिन। बच्चों जो पफ वॉल्स होती हैं ये सेप्रोफाइटिक फंजाई होती हैं। नाम आप लेक्चर में पहले डिफाइन कर चुका हूँ, सेप्रोफाइटिक मींस जो अपना नरिशमेंट डेड डिके पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से ले, उनको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? एब्जॉर्प्टिव टाइप। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोब्स के लेसन से। ठीक है बच्चों, जो पफ वॉल है उस पफ वॉल को, ये पफ वॉल जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक फंजाई होती हैं। जो इनकी फ्रूटिंग बॉडीज होती है पफ वॉल फंजाई की, वो लार्ज और ब्यूटीफुल होती है, लार्ज और ब्यूटीफुल होती हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत बच्चों इन पफ वॉल की, क्यों पफ वॉल कहते हैं आप जानते हैं? पफ वॉल ब्लास्ट होती रहती हैं। ठीक, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है इट बस्ट वॉयलेंटली टू रिलीज ब्लैक पाउडर बैसिडियो स्पोर्स आउटसाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा? बैसिडियो स्पोर्स। किससे होगा? बैसिडियो स्पोर्स से। तभी तो इसका नाम पड़ा बैसिडियो माइसिटीज। मैंने कहा था कि फंजाई की क्लासेस के नाम किसके क्लासेस किस क्राइटेरिया में बांटे गए हैं? एक तो माइसीलियम के टाइप पर और दूसरा उनके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं। क्लियर हुआ। तो आपने देखा बैसिडियो माइसिटीज में बैसिडियो स्पोर्स जो हैं वो इन पफ वॉल में जो फ्रूटिंग बॉडीज है बस्ट वॉलेंटली। क्लियर हुआ। एंड रिलीज द ब्लैक पाउडर विच आर नोन एज बैसिडियो स्पोर्स, जो कैसे हैं? एक्सोजिनसली। क्योंकि जो एस्कोमाइसिटीज का लेक्चर था उसमें एस्को स्पोर्स कैसे थे? एंडोजिनसली। इम्पॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन। चलिए बात करता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, ये मशरूम्स भी इसमें पाए जाते हैं। आप लोग खाते होंगे मशरूम की सब्जी, और मशरूम की सब्जी बहुत डिलीशियस होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल क्वेश्चन आया कि कौन सी एगारिकस, मशरूम्स के मतलब एगारिकस बैसिडियोकार्प्स, तो एगारिकस है बच्चों उसकी बाई स्पोरस स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? बाई स्पोरस। सुनना बहुत ध्यान से, जो एगारिकस की बाई स्पोरस स्पीसीज है बच्चों वो इडविल फंजाई है। क्लियर हुआ। और बहुत डिलीशियस है, मैंने ब्रैकेट में डिलीशियस लिख दिया। दूसरा बच्चों, ऐसा नहीं है, इस मशरूम्स में कुछ ऐसे हैं जो वर्ल्ड पॉइजनस मशरूम्स हैं। कैसे हैं? वर्ल्ड पॉइजनस मशरूम्स। और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन, ये कैसा बिहेव करते हैं? ये बिहेव करते हैं हेलुसिनोजेनिक बिहेव, भ्रमक हैं ये, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। ये डिजीज वाले लेसन में क्लास 12th में आपको वर्ल्ड ड्रग्स में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको हेलुसिनोजेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा।
ठीक है बच्चों, जो ये मशरूम है बैसिडियोकार्प उसमें डिलीशियस स्पीसीज मेडिकल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एगेरिकस बाई स्पोरस एंड मोस्ट पॉइजनस वर्ल्ड पॉइजनस स्पीसीज, जिनको क्या बोल देते हैं, जितने भी पॉइजनस मशरूम्स हैं उनको टोड स्टूल कहते हैं, एनसीईआरटी में पफवॉल, टोड स्टूल, ब्रैकेट फंजाई या सेल फंजाई, तीनों नाम दिए हुए हैं। तो आपने देखा कि जो पॉइजनस मशरूम है आर नोन एज टोड स्टूल, आपको ये भी एक मेडिकल का क्वेश्चन मिला। और वर्ल्ड पॉइजनस मशरूम कौन सा है, अमेंटिया, कौन सा है, अमंटिया, AMANTIA, इम्पॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन। पॉइजनस मशरूम को क्या कहते हैं, टोड स्टूल, इम्पॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन। मोस्ट डिलीशियस मशरूम एगेरिकस बाई स्पोरस, जो कि एडिबल है, एग्जाम्पल है, क्लियर हुआ, क्लियर बच्चों। ब्रैक्ट फंजाई या सेल फंजाई भी इन मेंबर्स में, यहाँ कुछ मेंबर्स आते हैं जिनको ब्रैक्ट या सेल फंजाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चों इपीजाइलिक फंजाई होती है, इपी माने ऊपर, जाइलिक वर्ड यूज़ कर देते हैं वुड के लिए, तो यानी मतलब दे प्रेफर टू ग्रो ऑन वुड, और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज किसके जैसी होती है, ठीक ब्रैकेट के जैसी होती है, कैसी होती, ठीक ब्रैकेट के जैसी होती है, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, ब्रैकेट फंजाई, क्या बोल देते हैं, ब्रैकेट फंजाई, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई। सेल्फ फंजाई कहाँ पाई जाती है, वुड पर, यानी मतलब वुड के ऊपर, तो ये इपीजाइलिक हैं, इपीजाइलिक, EPIXYLIC, इपीजाइलिक है, क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैसिडियोमाइसिटीज, वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज क्लास, वी हैव डिस्कस माइसीलियम, वी हैव डिस्कस क्लम्प कनेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देयर इज़ नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैसिडियोमाइसिटीज मेंबर्स, ओनली द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर, क्लियर। देन वी स्टार्ट द एग्जाम्पल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से देखा कि कैसे हमें तैयार करना है। स्मट फंगस, ऑस्टिलेगो, रस्ट फंगस, पक्सीनिया, मोस्ट डिलीशियस एगेरिकस, कौन सी स्पीसीज, बाईस्पोरस, मोस्ट पॉइजनस एमेंटिया, एमेंटिया को किसमें, एमेंटिया इज आल्सो कॉल्ड टोड स्टूल, क्योंकि एमेंटिया क्या है, पॉइजनस है, तो टोड स्टूल में क्या आता है, एमेंटिया। इस तरीके से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन मेडिकल में पूछे जाएंगे, और आपको इस लेक्चर को इसी बेस पर तैयार करना है और लिख लिख कर देखना है, तभी ये टॉपिक कमांड में आता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर बैसिडियोमाइसिटीज का हम बनाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, सिमिलर होगा एस्कोमाइसिटीज की तरह, बस ध्यान रखना होगा जो बैसिडियो स्पोर्स बनेंगे, मैं बता चुका हूँ, एक्जोजिनसली होंगे, कैसे होंगे, एक्जोजिनसली होंगे, अगर वहाँ एस्को स्पोर्स एस्कस में बनते थे तो यहाँ वर्ल्ड यूज़ कर देंगे बैसिडियम, इतना अंतर होगा, मैं डायग्राम से समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।